हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू SAS एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, एज़ यू ऑल नो, अपने इंट्रोडक्शन टू इंडियन गवर्नमेंट अकाउंट्स और ऑडिट, हमारी जो IIGAA बुक है उसके चैप्टर नंबर 7 के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो दोस्तों, चैप्टर नंबर 7 जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स, राइट। स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स, राइट। तो इसके दोस्तों 2 से 3 वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके सर्च कर सकते हो। IIGAA नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे दोस्तों सीरियली क्या है सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जितने भी लेक्चर्स अपलोडेड हैं, राइट। इन सब की दोस्तों PDF चाहिए तो आप PDF SAS एग्ज़ाम ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों PDF SAS एग्ज़ाम पीछे ग्रुप लगा दोगे तो ये ग्रुप भी है अपना टेलीग्राम पे, राइट। तो इन सब की PDF दोस्तों वहाँ पे आप ले सकते हो, कोई भी अपडेट होगी तो मैं वहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, ये सुनो। तो अब तक दोस्तों इस चैप्टर में अपनों ने शुरू में पढ़ा था कि जो अकाउंट्स जो हैं दोस्तों, जब नए मेथड में आने लगे तो दोस्तों कुछ रिफॉर्म्स हुए अकाउंट्स में, राइट। जो ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मेथड से दोस्तों हम नए चीज़ों में आने लगे, जो कुछ रिफॉर्म्स हुए जो दोस्तों मुखर्जी कमेटी ने क्या है रिकमेंड किए थे, राइट। तो ये मैंने MCQ आपको बताया था कि मुखर्जी कमेटी जो है आपको याद रखना है, राइट। एक मुखर्जी कमेटी दोस्तों बताया था। इसके बाद दोस्तों अपन करा था फॉर्म ऑफ अकाउंट, तो उसके अंदर 3 प्रकार के पढ़े थे, कंसोलिडेटेड, कंटीजेंसी और पब्लिक अकाउंट, ठीक है। और दोस्तों कंसोलिडेटेड, कंटीजेंसी और पब्लिक अकाउंट। अब दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर फिर अपनों ने 2 पढ़े, राइट। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर दोस्तों क्या पढ़ा, रेवेन्यू का, कैपिटल, पब्लिक डेप्ट एंड लोन्स एंड एडवांसेस, ये पढ़ा। फिर दोस्तों रेवेन्यू के अंदर फिर रिसिप्ट और इसका एक्सपेंडिचर हेड, कैपिटल के अंदर दोस्तों इसका रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर, ये चीज़ें पढ़ी। इसके बाद दोस्तों अपने 7.5 पैरा के अंदर आए और सेक्टर्स और सब सेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सेक्टर और सब सेक्टर डिस्कस करने के बाद मेजर, माइनर और डिटेल हेड के बारे में अपनों डिस्कस किया, राइट। और मेनली दोस्तों इसके अंदर क्या है, 422 वाला क्या था, हमें कोड याद रखना था, मेजर हेड के बारे में दोस्तों पढ़ा, राइट। 4 डिजिट का होता है, येस और नो, मेजर, सब मेजर, माइनर, सब डिटेल और ऑब्जेक्ट हेड। मेजर हेड दोस्तों किसके कॉरस्पॉन्ड होता है, फंक्शन के, फिर सब फंक्शन, फिर प्रोग्राम, स्कीम, सब स्कीम, प्राइमरी यूनिट ऑफ अप्रोप्रिएशंस, राइट। टोटल दोस्तों इसके 8 स्टेप अपने पढ़े थे, 6 तो ये हो गए, इसके साथ सेक्टर और सब सेक्टर और जोड़ लो आप, राइट। सेक्टर और सब सेक्टर और जोड़ लोगे, राइट, तो टोटल दोस्तों 8 स्टेप चल चुके हैं। इस फ्लो चार्ट को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, इन अकाउंट्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट। अब आगे चलिए दोस्तों, आगे भी बहुत सिंपल सी बातें हैं, लेकिन सिंपल जब है जब हमें हमारी समझ इतनी गहराई से बन जाती है, हम इतना अच्छे से पढ़ते हैं, राइट, ताकि हमें सारी कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हों तो चीज़ें क्या ईजी लगने लग जाती है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, अब ये अब आगे जो पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया चीज़ें, तो ये बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों एक बार और रिवाइज़ इसका कर लेंगे, राइट। तो बार बार रिवाइज़ कर करके, बार बार दोस्तों MCQ सोच के ये चीज़ें जब करेंगे तो ये चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर छप जाएगी, राइट। क्योंकि दोस्तों एक बार मैं आपको पढ़ा दूँ वैसे आपको याद नहीं होगा, ठीक है। ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो किताबों के अंदर लिखी हुई ये बातें, राइट। मेरा काम है दोस्तों आपको याद करवाना और दोस्तों शॉर्ट ट्रिक्स बताना, राइट। और क्लास के अंदर ही मैक्सिमम आपको जितना याद हो सके उतनी मेरी कोशिश है आपको याद करवाने की, यस और नो। तो चलिए दोस्तों जो पढ़ते हैं अपने कोडिफिकेशन ऑफ हेड्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अकाउंट्स के अंदर जो कोड हेड्स हैं उनका कोड कैसे लिखते हैं अपने। कोड का मतलब है दोस्तों जो न्यूमेरिकल जो रिप्रेजेंटेशन अपने करते हैं किसी भी कोड हेड को, उसको कैसे लिखना है, राइट। फ्रॉम April 1, 1987 दोस्तों, 1/4/1987 से क्या हुआ, रिवाइज्ड कोडिंग पैटर्न हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड कीपिंग इन व्यू द इमर्जिंग रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। अब क्योंकि दोस्तों 1987 के आसपास जो क्या है चीज़ों में क्या अपग्रेडेशन और हुआ, ठीक है, एक रिवाइज्ड कोडिंग पैटर्न जो है उसको इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। और वो दोस्तों क्यों किया गया, क्या व्यू में रखा उन्होंने, द इमर्जिंग रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोवाइडिंग फॉर कंप्यूटर बेस्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर बेस्ड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। क्योंकि दोस्तों सब चीज़ें कंप्यूटर पे होने लगी, ठीक है, सिस्टम पे होने लगी, तो उस रिक्वायरमेंट को देखते हुए क्या है इन चीज़ों को किया गया, कोडिंग पैटर्न जो है उसको क्या किया गया, संज्ञान में लाया गया, राइट। इन द रिवाइज्ड पैटर्न ए 4 डिजिट अरेबिक न्यूमेरिकल कोड हैज़ बीन असाइन टू द मेजर हेड्स इन देयर लिस्ट, ठीक है। तो एकदम सिंपल बात है दोस्तों, 423 वाला जो था हमारा, तो इसके अंदर अपन को याद ही है कि मेजर हेड को क्या है 4 डिजिट दिए गए, 2 डिजिट कोड फॉर द रेलेवेंट सब मेजर हेड, सब मेजर हेड को कितने 2 डिजिट दिए गए, ठीक है, फॉलोवर्ड बाय ए 3 डिजिट कोड फॉर द माइनर हेड, माइनर हेड को कितना दिया गया दोस्तों 3 डिजिट दिया गया,
राइट, समझ में आई दोस्तों बातें? आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों, थोड़ी और टेक्निकलिटी जो है मेजर हेड के बारे में बताई गई है, ठीक है। आप सबसे पहले दोस्तों अपनों ने तीन प्रकार के फंड पढ़े थे, ठीक है, अकाउंट्स पढ़े थे, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी और पब्लिक अकाउंट, ठीक है। अब दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर अपनों ने पढ़ा था कि रेवेन्यू टाइप के, राइट, और दोस्तों कैपिटल, पब्लिक डेप्ट, लोन्स एंड एडवांसेस थे, ठीक है। अब दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर रेवेन्यू के अंदर क्या था? रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट, लोन्स एंड एडवांसेस, इस प्रकार के दोस्तों कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर अपन चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर दोस्तों क्या था, मेनली दो प्रकार के हेड थे, एक तो था रेवेन्यू, एक था कैपिटल, पब्लिक डेप्ट एंड लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। अब दोस्तों इनका मतलब तो पता होगा आपको, रेवेन्यू मतलब डे टू डे लाइफ के जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर है, कैपिटल दोस्तों जो बड़ी अमाउंट का होता है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दोस्तों कोई परमानेंट एसेट अपने एक्वायर करते हैं, ठीक है। पब्लिक डेप्ट दोस्तों कई बार सरकारें क्या जो कर इतना नहीं बढ़ा सकती, ठीक है, उनके एक्सपेंडिचर बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट को क्या लोन लेना पड़ता है, कर्जा लेना पड़ता है, डेप्ट लेना पड़ता है, और वो दोस्तों पब्लिक से ले लिया तो क्या है, पब्लिक डेप्ट हो गया, ठीक है। गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटीज़ एज ए क्या है, कोलेटरल रख के पब्लिक से क्या है, पैसा उठाती है, ठीक है। लोन्स एंड एडवांसेस दोस्तों वही हो गया, गवर्नमेंट दोस्तों लोन लेती है, लोन देती है। लोन्स और एडवांसेस में दोस्तों क्या फ़र्क था, एडवांसेस शॉर्ट टर्म के लिए था, लोन्स क्या है लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर ये चीज़ें पड़ी थी। इसके बाद दोस्तों रेवेन्यू के अंदर रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर पढ़ा था, और दोस्तों कैपिटल के अंदर भी क्या है, रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर, ठीक है, और पब्लिक डेप्ट एंड लोन्स एंड एडवांसेस। अब दोस्तों इनके अंदर क्या है, एक पैटर्न फॉलो किया जाता है, ठीक है। जब भी दोस्तों कोई भी ट्रांजेक्शन्स अब इन हेड्स के अंदर बुक करेंगे, ठीक है। अब दोस्तों मेजर हेड का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताया गया है, मतलब ये जो लेयर है ये इनसे भी नीचे है, ठीक है। CFI से स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट अकाउंट से स्टार्ट हुआ, CFI एक हिस्सा है, इसके नीचे ये आया, इसके नीचे ये आया। अब दोस्तों ये सेक्टर्स, सब सेक्टर, मेजर, सब मेजर, माइनर, ये दोस्तों इसकी भी एक निचली लेयर का हिस्सा है, मतलब ये सारी चीज़ें यहाँ फिट होगी इनके नीचे, ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। अब पढ़िए क्या लिखा हुआ है, द कोडिफिकेशन पैटर्न फॉर द मेजर हेड्स हैज़ बीन डिज़ाइंड इन सच ए वे। दोस्तों जो मेजर हेड का कोडिंग पैटर्न है, जो दोस्तों मेजर हेड का कोडिफिकेशन पैटर्न है, उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि दैट द लास्ट थ्री डिजिट्स आउट ऑफ द फोर डिजिट्स रिप्रेजेंट द सेम फंक्शन इन द फोर सेक्शंस। अब दोस्तों मेजर हेड जो था वो चार डिजिट का था, ठीक है, चार डिजिट का। अब इसके अंदर दोस्तों जो लास्ट वाले तीन डिजिट थे, मान लो XY ABCD, मान लो ABCD, अब इसके अंदर दोस्तों जो BCD जो थे वो क्या है, लास्ट के तीन डिजिट जो हैं डिफरेंट डिफरेंट चार सेक्शंस के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट चार सेक्शंस के अंदर ये जो तीन डिजिट जो हैं वो सेम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से दोस्तों चार सेक्शन है, वो पहला है रिसिप्ट हेड रेवेन्यू सेक्शन का, एक्सपेंडिचर हेड रेवेन्यू सेक्शन का, इसका मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। आगे दोस्तों कैपिटल का एक्सपेंडिचर हेड, कैपिटल का दोस्तों रिसिप्ट हेड की बात अपने ने नहीं करी यहाँ पे, ठीक है, कैपिटल का दोस्तों क्या, एक्सपेंडिचर हेड, ठीक है, क्योंकि दोस्तों कैपिटल का जो रिसिप्ट हेड है उसका क्या है, एकमात्र कोड हेड होता है, ठीक है, एकमात्र कोड हेड दोस्तों 4000 होता है, ठीक है। कैपिटल का दोस्तों जो रिसिप्ट हेड है उसका क्या है, एकमात्र कोड हेड होता है 4000, राइट। तो दोस्तों इसलिए क्या है, इसके अंदर कैपिटल का जो रिसिप्ट हेड है उसको काउंट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि उसका आप इसके साथ क्या बैलेंस बनाओगे, क्योंकि इसका तो क्या है 4000 कर दिया एक प्रकार से, ठीक है, रिसिप्ट कैपिटल सेक्शन का, रिसिप्ट हेड का, राइट। तो इसके अंदर दोस्तों कैपिटल जो कैपिटल सेक्शन जो है इसका एक्सपेंडिचर हेड हो गया, और दोस्तों लोन्स एंड एडवांसेस हो गया, ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। रिसिप्ट हेड हो गया रेवेन्यू अकाउंट का, रिसिप्ट हेड हो, एक्सपेंडिचर हेड हो गया रेवेन्यू अकाउंट का, एक्सपेंडिचर हो गया कैपिटल सेक्शन का, और लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। अब दोस्तों इसको याद कैसे रखना है, जैसे ये डायग्राम तो आपको याद रहेगा, CFI जो था रेवेन्यू, कैपिटल, पब्लिक डेप्ट, लोन्स एंड एडवांसेस था। रेवेन्यू के नीचे दोस्तों रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर को काउंट करोगे, ये दोनों आ जाएंगे। कैपिटल का दोस्तों रिसिप्ट को हटा देना, ओनली एक्सपेंडिचर ले लेना, और दोस्तों ये वाला कॉलम ले लेना लोन्स एंड एडवांसेस। अब दोस्तों इनको क्या है, एज इट इज़ यहाँ पे रख लिख दो इनको, ठीक है, रिसिप्ट हेड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर हेड रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर हेड कैपिटल, और लोन्स एंड एडवांसेस, ठीक है। अब ये दोस्तों क्या है, फंक्शन की बात कर रहे हैं,
ठीक है। अब ये बोल दिया कि जो लास्ट के जो तीन डिजिट जो हैं वो सेम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों इनके अंदर क्या आपस के अंदर एक सिनेरियो होता है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। दोबारा पढ़िए दोस्तों, द कोडिफिकेशन पैटर्न फॉर द मेजर हेड हैज़ बीन डिजाइंड इन सच ए वे दैट द लास्ट थ्री डिजिट्स आउट ऑफ द फोर डिजिट्स रिप्रेजेंट द सेम फंक्शन इन द फोर सेक्शन, ठीक है। तीन डिजिट जो है चारों के अंदर क्या है सेम फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे यहाँ पे 210 210 210 210, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ जो एक फंक्शन है हमारा उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड जो भी ऐसी ऐसी ट्रांजेक्शन्स होंगी तो इन कोड हेड्स के अंदर बुक होंगी, ठीक है। लास्ट वाले तीन डिजिट सेम है दोस्तों, चौथा डिजिट सेम नहीं है आगे वाला, ठीक है। ये देखिए लास्ट वाले तीनों डिजिट सेम है, ना कि चौथा, ठीक है। इनके अंदर एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस वेयर मोर देन वन फंक्शन हैज़ बीन ग्रुप टुगेदर एज सच एज सब मेजर हेड अंडर ए सिंगल मेजर हेड, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, इसके अंदर कुछ अपवाद भी आपको मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 100% सबके अंदर ही आपको मिलेगा, ये बात इसने अंदर लिख दी, ठीक है। एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस वेयर मोर देन वन फंक्शन हैज़ बीन ग्रुप्ड टुगेदर, जहाँ पे एक से ज़्यादा फंक्शन को क्या है ग्रुप किया गया है, जैसे कि सब मेजर हेड किसी भी एक सिंगल मेजर हेड के अंदर, वहाँ पे क्या है ऐसा हो सकता है कि आपको ये चीज़ें नहीं मिले, ठीक है। अब दोस्तों कोई भी फंक्शन है, फंक्शन मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ है और दोस्तों अपने शिपिंग का है, ठीक है। अब दोस्तों मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ के अंदर अपने को आपको कोई रेवेन्यू रिसिप्ट टाइप की ट्रांजेक्शन्स को बुक करना है, ठीक है, तो आपको दोस्तों 0210 लगा देना है, ठीक है। अब दोस्तों आपको 0210 पता है, अब एग्ज़ाम में सवाल ऐसे पूछेगा आपसे, ये पूछेगा कि गिवन कोड जो है मेजर हेड का 0210 जो है वो रिसिप्ट हेड का है, 0210 इज़ द रेवेन्यू रिसिप्ट कोड हेड फॉर द फंक्शन ऑफ मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ विच लाई इन द मेजर हेड, ठीक है। चार डिजिट का तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर हेड ऑफ द कैपिटल अकाउंट फॉर द सेम फंक्शन, ठीक है। ये सवाल आपसे दोस्तों पूछेगा, तो इसका जवाब दोस्तों आपको आना चाहिए, आपका लेक्चर अगर आपसे आपने ढंग से पढ़ा है तो इसका जवाब दोस्तों आप कैसे निकालोगे। रिसिप्ट हेड रेवेन्यू अकाउंट का दे दिया 0210, आपको ये बता दिया मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ है, ये आपसे पूछ लिया एक्सपेंडिचर हेड बताओ कैपिटल अकाउंट का। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये चारों चीज़ें लिख लेनी है, ये लिख ली भैया। अब दोस्तों इनके अंदर 2000 जोड़ते जाओ, ठीक है, 2000 जोड़ दो, या फिर दोस्तों फर्स्ट डिजिट के अंदर 2 जोड़ दो, ठीक है, एक ही बात है क्योंकि 000 है तो इसके अंदर एक नीचे आ जाएगा, ठीक है, या फर्स्ट डिजिट के अंदर दोस्तों क्या है इसके अंदर 2 जोड़ दो, राइट, तो आप आगे पहुंच जाओगे ऐसे करके, ठीक है। अब दोस्तों कोई भी डेटा देखे क्या आपसे आगे पीछे की बातें पूछ सकता है, अगर पेपर अच्छे लेवल का बना तो, राइट, वरना तो दोस्तों मेजर हेड कितने डिजिट का होता है, 4 डिजिट का, यहाँ पे एग्जामिनर रुक जाएगा, ठीक है। इनके बारे में पूछ लेगा दोस्तों कितने कितने डिजिट के हैं, कॉरस्पॉन्डिंग क्या क्या करता है, ठीक है। अब दोस्तों अगर थोड़ा सा अच्छे लेवल का एग्ज़ाम हुआ, एग्जामिनर ने अच्छा पेपर बनाया, तो ऐसे सवाल दोस्तों वो पूछेगा, लोन्स एंड एडवांसेस फॉर द फंक्शन ऑफ मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ द कोड ऑफ द मेजर हेड इज 6210, फाइंड द रेवेन्यू रिसिप्ट एड फॉर द मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ फॉर द सेम ऑफ द सेम फंक्शन, मैं ऐसे करके। फिर आपको क्या है दोस्तों ये चारों चीज़ें लिख लेनी है, लोन्स एडवांस 6210, यहाँ से आप 4210 पे आओगे, 4210 से दोस्तों 2210 पे आओगे, 2210 से आप क्या है 0210 पे आओगे, ठीक है, समझ में आई दोस्तों बातें। अब कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया दोस्तों कितना 8000 कोड होता है, वो अलग ही चीज़ है। यस और नो पब्लिक अकाउंट के दोस्तों अलग कोड हेड चलते हैं, उनके बीच में भी दोस्तों रिलेशन जो है वो हमारे अकाउंट कोड के अंदर था, ठीक है, वो भी दोस्तों उसको भी एक बार और रिवाइज़ करेंगे जब अपने अकाउंट कोड स्टार्ट करेंगे। यस और नो एक और एग्जांपल देखिए दोस्तों, शिपिंग का है, ठीक है, शिपिंग का कोड हेड आपको दे दिया, रिसिप्ट का मेजर है, रेवेन्यू रिसिप्ट का दे दिया 1052, ठीक है, इसके अंदर 2000 जोड़ दो, 3052 पे, इस पर 2000 जोड़ दो दोस्तों, 5052 पे, इस पर 2000 जोड़ दोगे तो आप 7052 पे पहुँच जाओगे। यस और नो, तो ये चीज़ दोस्तों हुई कंप्लीट हमारी, आगे चलिए। अब दोस्तों आगे देखिए, इट मे ऑल्सो बी ऑब्जर्व दैट इन द कोडिंग पैटर्न द फर्स्ट डिजिट इन द मेजर हेड्स अंडर रिसिप्ट हेड्स रेवेन्यू अकाउंट इज इधर 0 और 1, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज़ ये भी याद रखनी है आपको, ठीक है, अब दोस्तों कोड हेड आपको दे देगा, जैसे अभी अपनों ने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था अपनों ने दोस्तों, प्रीवियस एग्जाम्पल जो थे हमारे इसके अंदर था 0210 और 1052, ठीक है, ये कौन सा था, मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ, ठीक है, और ये था दोस्तों शिपिंग का, राइट,
तो इट मे ऑल्सो बी ऑब्जर्व दैट द कोडिंग पैटर्न द फर्स्ट डिजिट इन द मेजर हेड्स फर्स्ट डिजिट अंडर एड्स इन द मेजर हेड अंडर रेवेन्यू अकाउंट इज इधर 0 और 1। ठीक है, अब दोस्तों रेवेन्यू का जो रिसिप्ट हेड है, रेवेन्यू रिसिप्ट आर आर रेवेन्यू रिसिप्ट है दोस्तों, उसका जो अगर फर्स्ट डिजिट जो है रेवेन्यू रिसिप्ट का, दोस्तों फर्स्ट डिजिट क्या हो सकता है, 0 या 1 हो सकता है। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल के अंदर भी देख लिया अपनों ने, राइट। द फर्स्ट डिजिट फॉर कॉरस्पॉन्डिंग मेजर हेड्स फॉर द सेम फंक्शन इन द सेक्शंस एक्सपेंडिचर हेड रेवेन्यू अकाउंट एक्सपेंडिचर हेड कैपिटल अकाउंट लोन्स एंड एडवांसेस आर डिराइव्ड बाय एडिंग नंबर 2 टू द फर्स्ट डिजिट इन द मेजर हेड्स इन द रिसिप्ट हेड रेवेन्यू सेक्शन। ठीक है, तो ये बात दोस्तों मैंने आपको बोल दी, 2000 जोड़ दो या फिर 2 जोड़ दो, तो आप दोस्तों यहाँ से रेवेन्यू शिफ्ट से क्या है, आगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन्स एंड एडवांसेस तक तो क्या है, पहुँच सकते हो। ठीक है, ये बात तो अपनों ने ऑलरेडी डिस्कस कर ली प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर, राइट। तो समझ में आई दोस्तों बातें। अब एक सवाल दोस्तों यहाँ पे और बनता है, एग्जामिनर अगर और अच्छा लेवल का एग्जामिनेशन बनाएगा तो आपको दोस्तों सवाल ये देगा, आइडेंटिफाई द इन द गिवन मेजर हेड आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग, कि ये कौन से किससे क्या है ये कॉरस्पॉन्ड करता है। ठीक है, आपको एग्जांपल दोस्तों यही दे देगा, मान लो 0, 210 ही दे दिया। ठीक है, आपको ये चार ऑप्शन दे दिए, रेवेन्यू रिसिप्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर और लोन्स एंड एडवांसेस। ठीक है, ये सवाल दे दिया कि बताइए ये किससे डिपेंड ये किस में अंदर फॉलो करता है। ठीक है, तो अब दोस्तों क्या है, आपको पहला डिजिट देखना है इसके अंदर कि भैया पहला डिजिट 0 या 1 है, तो अपने को किस में टिक करना है, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों सवाल को और आगे बढ़ाएगा तो 0, 210 जो है वो रेवेन्यू रिसिप्ट के मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ को क्या डिनोट करता है। ठीक है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है मेजर हेड सेम फंक्शन का लोन्स एंड एडवांसेस का बताओ। ठीक है, तो दोस्तों ये 0, 210 था, यहाँ जाओगे यहाँ पे 2 जोड़ दोगे, यहाँ जाओगे तो दोस्तों आप इसके अंदर और जोड़ दोगे 2, इसके अंदर दोस्तों जाओगे तो आप क्या है और 2 जोड़ देगा। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, 62-10 हो जाएगा, ये सुनो। तो ऐसे सवाल दोस्तों एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, तो इन चीज़ों के लिए हमें पहले ही मेंटली प्रिपेयर रहना है, राइट। आगे चलिए फ्रेंड्स, द सब मेजर हेड्स आई हैव अ 2-digit कोड 0102 एक्सेट्रा। ठीक है, तो 423 और 222 वाला दोस्तों कंसेप्ट आपको पता है, मेजर सब मेजर माइनर हेड सब डिटेल और ऑब्जेक्ट। इसके अंदर दोस्तों बोल दिया सब मेजर हेड्स हैव ए 2-digit। ठीक है, ये तो मेजर हेड था, ये दोस्तों सब मेजर हेड है, 2 digit का आ गया, माइनर हेड दोस्तों कितने का आ जाएगा, 3 digit का, ये बात इसके अंदर बोली गई है। ठीक है, ये किसे 0102 से रिप्रेजेंट कर दिया, ये दोस्तों 0001 से 0002 0003 इस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, आगे चलिए फ्रेंड्स, आगे देखिए डियर फ्रेंड्स क्या दिया गया है, वाइल ओपनिंग एनी माइनर हेड एनी न्यू माइनर हेड। अब दोस्तों 423 222 तो आपको याद है, माइनर हेड कहाँ था, ये तो मेजर था, सब मेजर था, माइनर यहाँ था। ठीक है, तीन डिजिट वाला, राइट, 3 जिसके अंक थे, राइट। दिस प्रिंसिपल शुड बी कैप्ट इन व्यू, तो दोस्तों सारे जो प्रिंसिपल जो हैं इनके, उनको क्या है, व्यू में रखा जाता है, इन ऑर्डर दैट द डायरेक्टरी ऑफ अकाउंट हेड्स मेंटेन्ड इन द बजट डिवीजन एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दोस्तों ये जो डायरेक्टरी है अकाउंट्स की, ठीक है, तो ये कहाँ मेंटेन होती है, एक तो बजट डिवीजन में, एक दोस्तों कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। ठीक है, मे नॉट गेट डिस्टर्ब्ड। ठीक है, माइनर हेड दोस्तों आप कोई ओपन करोगे तो इनकी डायरेक्टरी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, द कंप्यूटर सेल्स ऑफ दीज टू ऑर्गेनाइजेशन शुड बी कंसल्टेड बिफोर एनी न्यू कोड इज अलॉटेड और एन एग्जिस्टिंग कोड एट वट एवर लेवल इज अल्टर्ड। ठीक है, अब दोस्तों कोई भी कोड हेड जो है अल्टर करना है, या एग्जिस्टिंग कोड हेड को अल्टर करना है, या नया कोड हेड अलॉट करना है, तो क्या इनसे पहले परमिशन लेनी पड़ती है, इनसे बातचीत करनी पड़ती है। ठीक है, तो इजी सी बात थी। आगे चलिए, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर एज चार्ज्ड और वोटेड। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जो भी लिखा हो चार्ज्ड और वोटेड आपको पता है। ठीक है, बहुत पढ़ा दिया, दोबारा सुनिए दोस्तों, चार्ज्ड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ और वोटेड एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ। वोटेड एक्सपेंडिचर तो दोस्तों जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का जितना पैसा है वो वोटेड एक्सपेंडिचर है, मतलब जिसकी पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होती है उसको दोस्तों कम ज़्यादा किया जा सकता है।
ठीक है, तो वो तो वोटेड एक्सपेंडिचर है, वोट दे दिया पार्लियामेंट के लोगों ने, सिंपल सी बात है। और दोस्तों चार्ट एक्सपेंडिचर जो है उस पर वोटिंग नहीं हो सकती, बहस हो सकती है पार्लियामेंट में, उससे दोस्तों वोटिंग नहीं हो सकती उसको। दोस्तों क्या है, बिना वजह के या पार्लियामेंट की वोटिंग के हिसाब से उसको कम ज़्यादा अपने नहीं कर सकते, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों बारित है जो चार्ट एक्सपेंडिचर, दोस्तों जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सैलरी वो चार्ट एक्सपेंडिचर है, प्रेसिडेंट की दोस्तों सैलरी है, और दोस्तों बहुत बड़े बड़े जो पद हैं हमारे देश के अंदर जिनकी क्या है, उनको सुरक्षित करने के लिए, उनके पद को सुरक्षित करने के लिए, उनको दोस्तों इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए उनकी सैलरी, कुछ खर्चे जो हैं दोस्तों वो चार्ट एक्सपेंडिचर में दिए जाते हैं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है आप कटौती नहीं कर सकते। अब क्या लिखा हुआ देखिए दोस्तों, एक्सपेंडिचर विच अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द लेजिस्लेचर शैल बी शोन इन द अकाउंट सेपरेटली फ्रॉम द एक्सपेंडिचर विच इज चार्ज ऑन द CFI और ऑफ स्टेट और यूनियन टेरेटरी गवर्नमेंट। दोस्तों इसके अंदर तो क्या है ये बोल दिया, तो इनके अकाउंट्स कैसे मेंटेन होंगे, ठीक है। एक्सपेंडिचर दोस्तों विच अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से इज सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ द लेजिस्लेचर शैल बी शोन इन द अकाउंट्स सेपरेटली फ्रॉम द एक्सपेंडिचर विच इज चार्ज ऑन द CFI। मतलब जो चार्ज एक्सपेंडिचर है और जो वोटेड एक्सपेंडिचर, उनको डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स आपको बनाने हैं, ठीक है। ये बात इसके अंदर बोल दी, द एक्सप्रेशन चार्ड और वोटेड शैल बी अपेंडेड टू द हेड्स कंसर्न टू डिस्टिंग्विश द टू कैटेगरीज ऑफ द एक्सपेंडिचर। दोस्तों जैसा एक्सपेंडिचर आप करोगे तो उसके लास्ट में क्या है, चार्ड और वोटेड लिख दोगे, ताकि आपको क्या है पता रहे कि भैया ये चार्ड है और ये वोटेड है। वैसे दोस्तों जनरल मैंने आपको बता दिया चार्ड क्या होता है और वोटेड क्या होता है, जो मैंडेटरी खर्चे हैं, मैंडेटरी नहीं बोल के तो ऐसे बोल दो कि किसी भी इंस्टीट्यूशन को आपको स्वायत्त चलाना है, बहुत बड़ी पोस्ट है, वो अच्छे से काम कर सके, उसके दोस्तों सैलरी और पेड अलाउंसेज भी आप अगर आप काटोगे, ठीक है, तो वो कैसे आप अच्छे से काम करेगी। तो दोस्तों कुछ क्या बारित खर्चे होते हैं, राइट। कोई दोस्तों कोर्ट का जजमेंट आ गया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो चार्ड हो जाएगा, उस पर वोटिंग नहीं कर सकते। कोई दोस्तों ट्रिब्यूनल का कोई जजमेंट आ गया, ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या है वो चार्ड हो जाएगा। वोटेड का मतलब क्या है, काट पीट के आप कम ज़्यादा कर सकते हो खर्चे को। आगे चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स इन अकाउंट्स। अकाउंट्स के अंदर दोस्तों ट्रांजेक्शन्स को कैसे क्लासीफाई करोगे, 7.9(1) में देखिए दोस्तों, अंडर आर्टिकल 150 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल जो है हमारा संविधान का 150 के हिसाब से, द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म्स एज द प्रेजिडेंट मे ऑन द एडवाइस ऑफ द CAG प्रेस्क्राइब। दोस्तों आर्टिकल 150 के हिसाब से संविधान के, द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट्स, आर्टिकल 150 के हिसाब से दोस्तों संविधान के, अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड ऑफ द स्टेट, यूनियन और स्टेट के जो अकाउंट है शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म्स। दोस्तों कौन से फॉर्म्स में रखोगे, एज द प्रेजिडेंट, जैसे कि दोस्तों प्रेजिडेंट जो है प्रेस्क्राइब करता है, मे ऑन द एडवाइस ऑफ द कैग, ठीक है, कैग के एडवाइस पे दोस्तों प्रेजिडेंट जिन फॉर्म्स में अकाउंट्स को दोस्तों रेफर करता है, प्रेस्क्राइब करता है अंडर आर्टिकल 150 के हिसाब से, उसके हिसाब से दोस्तों क्या है आपको अकाउंट्स के फॉर्म्स को रखना है, ठीक है। शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म्स, द वर्ड फॉर्म यूज्ड इन आर्टिकल 150 हैज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग सो एज टू इंक्लूड द प्रेस्क्रिप्शन नॉट ओनली ऑफ द ब्रॉड फॉर्म इन विच द अकाउंट्स आर टू बी केप्ट बट ऑल्सो द बेसिस फॉर सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट हेड्स अंडर विच द ट्रांजेक्शंस आर टू बी क्लासीफाइड, ठीक है। तो दोस्तों इसके अंदर बोल दिया कि भैया फॉर्म जो है, तो फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि खाली एक फॉर्म है और आपको बोल दिया कि ऐसे फॉर्म में क्या चीज़ों को डाल दो। दोस्तों फॉर्म का मतलब क्या है, बहुत ही अच्छा है, कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग है, ये है कि आपको कौन से कोड हेड्स के अंदर डालना है, ये चीज़ें भी क्या है दोस्तों प्रेस्क्राइब की गई है, ठीक है। द वर्ड फॉर्म यूज इन आर्टिकल 150 हैज़ ए कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग सो एज टू इंक्लूड द प्रेस्क्रिप्शन नॉट ओनली ऑफ द ब्रॉड फॉर्म इन विच द अकाउंट्स आर टू बी केप्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि जिन फॉर्म में अकाउंट केप्ट होंगे वही बात बोल दें, बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी देखना है द बेसिस फॉर सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट हेड, कौन से हेड में आपको पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करनी है, रेवेन्यू हेड में, रिसिप्ट हेड में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, कैपिटल में, वगैरह वगैरह, राइट। तो ये चीज़ें जो क्या है दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सवाल दोस्तों ऐसे पूछ सकता है कि जो फॉर्म शब्द का यूज है संविधान के कौन से आर्टिकल में यूज़ किया हुआ है, तो वो क्या है, 150, ठीक है। ये पूछ सकता है दोस्तों जो आर्टिकल 150 के हिसाब से जो अकाउंट्स हैं यूनियन और स्टेट के, वो प्रेस्क्राइब किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, किसकी सलाह पर, ऑन द एडवाइस ऑफ द CAG, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, CAG की, ठीक है। या आर्टिकल 150 के हिसाब से CAG जो है वो एडवाइस करता है कि किस फॉर्म में अकाउंट होंगे यूनियन और स्टेट को, वो किसको एडवाइस करता है, प्रेसिडेंट को करता है।
ठीक है। तो ऐसे सवाल दोस्तों घुमा के पूछ सकता है वो। आगे चलिए दोस्तों, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। एज ए जनरल रूल द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन गवर्नमेंट अकाउंट शेल हैव क्लोजर रेफरेंस टू द फंक्शन प्रोग्राम और एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर रादर देन द डिपार्टमेंट इन विच द रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर अकर्स, ठीक है। अब दोस्तों क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी बॉक्स है, इसके अंदर ग्रीन कलर की, ब्लू कलर की, रेड कलर की, पिंक कलर की, येलो कलर की बॉल्स हैं, ठीक है। और दोस्तों ये क्या है, एक बॉक्स के अंदर बंद है और सबका कलर दोस्तों क्या है, अलग अलग है, ठीक है। पांच प्रकार की बॉल मान लो, या पांच रंगों की दोस्तों, दो दो तीन तीन बॉल्स हैं, ठीक है। अब दोस्तों इनके अलग अलग डब्बे भी हैं, ग्रीन, ब्लू, येलो, रेड और पिंक, ठीक है। अब दोस्तों मैं इनको क्या है, ग्रीन को ग्रीन में डाल दूं, ब्लू को ब्लू में डाल दूं, येलो को येलो में डाल दूं, रेड को रेड में डाल दूं, पिंक को पिंक में डाल दूं, तो ये क्या हुआ, मेरा क्लासिफिकेशन हुआ, वर्गीकरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। अब ऐसा ही क्या है दोस्तों, हमारी ट्रांजेक्शन जो होती है गवर्नमेंट की, रेवेन्यू रिसिप्ट की टाइप की है तो भैया उस कोड में डाल दे, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो भैया इस कोड में डाल दे, ठीक है। एक बार दोस्तों मिक्स ट्रांजेक्शन्स हैं सारी, मिक्स ट्रांजेक्शन्स को दोस्तों अपने अपने पर्टिकुलर कोड हेड्स के अंदर डालना, रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, कंटिजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट, लोन्स एडवांस, डेप्ट, ठीक है। जितनी भी दोस्तों तमाम तरीके की ट्रांजेक्शन जो हैं उनको उनके पर्टिकुलर कोड हेड के अंदर डालना ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। जैसे मैंने दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की बॉल्स को डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में डाला और मैंने क्या है, चीज़ों को वर्गीकरण कर दिया, इसी प्रकार से दोस्तों गवर्नमेंट की ट्रांजेक्शन को डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन को डिफरेंट डिफरेंट कोड हेड्स के अंदर डालने को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण बोलते हैं, ठीक है। 7.10 में देखिए दोस्तों, एज ए जनरल रूल द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन गवर्नमेंट अकाउंट्स हैव क्लोजर रेफरेंस टू द फंक्शन प्रोग्राम और एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट। दोस्तों जो गवर्नमेंट की जो ट्रांजेक्शन्स जो हैं, अकाउंट्स की जो ट्रांजेक्शन्स है गवर्नमेंट की, वो दोस्तों फंक्शन, प्रोग्राम और एक्टिविटी से रिप्रेजेंट करी जाती है। भैया मेडिकल एंड पब्लिक हेल्थ है, शिपिंग है, ठीक है, ये एक प्रकार का फंक्शन है, ठीक है। तो मैं इसको दोस्तों फंक्शन ही तो बोलूँगा, राइट। क्लोजर द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन इन गवर्नमेंट अकाउंट शैल हैव क्लोजर रेफरेंस टू द फंक्शन प्रोग्राम एक्टिविटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो मैं उनको दोस्तों फंक्शन ही तो बोलूँगा, मेडिकल, पब्लिक हेल्थ और क्या है, शिपिंग मान लो। द ऑब्जेक्ट ऑफ द रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर रादर देन द डिपार्टमेंट इन विच द रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर अकर, ठीक है। और दोस्तों कितना रेवेन्यू हुआ है, कितना एक्सपेंडिचर जनरेट हुआ है, ठीक है, ये चीज़ें मैं देखता हूँ मेरे अकाउंट्स की ट्रांजेक्शन्स को, बजाय किसके कि भैया कौन सा डिपार्टमेंट इसको कर रहा है, ठीक है, रादर देन द डिपार्टमेंट इन विच द रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर अकर, ठीक है। अब दोस्तों ये पूछेगा तो ट्रू फॉल्स में पूछ लेगा, ठीक है, ये लाइन पूछेगा तो, ठीक है, कि ये बोल देगा कि भैया किस डिपार्टमेंट में ट्रांजेक्शन हो रही है, तो क्या हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स में इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है, तो दोस्तों हमें नहीं पड़ता, कोई से भी डिपार्टमेंट करे, हमें तो दोस्तों क्या है, फंक्शन देखना है, प्रोग्राम देखना है, एक्टिविटी देखनी है, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर देखना है, अल्टीमेटली फाइनल अकाउंट हमें बनाना है, ठीक है। 7.10 तक जो क्या है हमने कर लिया कंप्लीट, राइट। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, राइट। आज का वीडियो दोस्तों ये रैप करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक करें दोस्तों, कमेंट जरूर से करिएगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।